हम लोग आज बात करने वाले हैं, जब हम बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए पहला कदम क्या होता है। तो इससे पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊं, आगे मैं आपको बता दूं ये सेशन से फायदा किसे किसे होने वाला है। इस सेशन से फायदा उसे होगा जो शिद्दत से और मेहनत करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेप्स जानना चाहते हैं कि यार कैसे अप्रोच ली जाए कि बिजनेस को आगे बढ़े। इस वाले सेशन में कोई भी क्विक वाली तरकीब नहीं है, मतलब आपकी क्विक स्कीम नहीं है कि आपको कोई तरकीब ऐसी पता चल गई और आपने कर लिया, अपना पहला स्टेप ले लिया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कभी भी जो आप बिजनेस ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, वो पहला कदम क्या है। सो हम लोग सबसे पहले मैं आपको अपने क्लाइंट की स्टोरी सुनाऊंगा जिसके थ्रू हम ये वाली बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भाई उनकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम लोग मिलकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे तो शायद आप लोगों को भी तरीका मिल जाएगा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो उसी प्रॉब्लम के दौरान हम लोग अप्रोच समझेंगे कि भाई अप्रोच क्या क्या है, कौन किस किस लेवल की अप्रोच होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम राइट अप्रोच लेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज करवाऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन जो इसी चीज के अराउंड है जो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट भी दूंगा जिस डॉक्यूमेंट पर आपको काम करना हो। हमारी क्लाइंट है नीरज जी। सो नीरज जी जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा, सुमित जी मुझे ना बिजनेस में ग्रोथ चाहिए और मैं अपने बिजनेस को एक्स से वाई लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलिए बहुत बढ़िया बात है, बैठिए डिस्कशन करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि नीरज जी मुझे ये बताओ कि पहले अभी तक आप क्या क्या कर चुके हो इस वाली चीज़ को सॉल्व करने के लिए मुझसे पहले आने से पहले, क्योंकि मैं ये समझना चाहता था कि भाई वो क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं और उस जगह पर उन्हें सफलता क्यों नहीं मिली। क्योंकि एक बात को समझिए, जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं होता। सॉल्यूशन की कोई, गंदे शब्दों में बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन की ना कोई औकात नहीं होती। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन की जब तक औकात नहीं होती है जब तक वो किसी प्रॉब्लम के साथ फिट ना हो जाए। कोई सॉल्यूशन तभी अच्छा सॉल्यूशन बनता है जब वो प्रॉब्लम के साथ फिट हो और वो प्रॉब्लम के साथ मैच होता है, तब सॉल्यूशन बनता है। ऐसी पड़ा हुआ सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। सो मैंने सॉल्यूशन देने से पहले उनसे समझना चाहा कि यार मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई उन्होंने कोई बिजनेस गुरु है, उनका कोई कोर्स ले रखा है, उससे पढ़ा। तो मैंने पूछा कि भाई तो पढ़ा आपने, क्या हुआ उसमें, क्या हुआ। तो सर मैं पढ़ रहा था तो एक तो मेरा डिसिप्लिन नहीं बनता था पहली बात, और दूसरी चीज़ मुझे समझ में नहीं आता था वो चीज़ अप्लाई कैसे करूँ। अच्छा, मैंने कहा और क्या करा है आपने। मैंने कहा कि यार मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं। मैंने कहा अच्छा, तो बुक्स में क्या हुआ। बोले बुक्स में भी मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या वो आप चीज़ अप्लाई कैसे करें, और खुद कोशिश करी जो कि हर एंटरप्रेन्योर करता, जो कि अच्छी बात होती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जब लोग बिजनेस ग्रोथ की बात करते हैं तो इस बारे में सोचना शुरू करते हैं कि ये ऑप्शंस होते हैं। कोई भी बिजनेस कोर्स, कोई भी किताब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगी। ऐसे आपकी प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब आप ये पहला स्टेप लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस वाली प्रॉब्लम का पहला स्टेप लेने के लिए एक चीज डिस्कस करते हैं पहले, जो एक बहुत छोटा सा केस है जो मैं आपके साथ लेता हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट है सुमित जी, राइट, मैं स्टूडेंट हूँ। सुमित जी आपके पास आए और बोले सर मेरे 80% मार्क्स आते हैं, मुझे 90% चाहिए। कम से कम सुमित जी को ये क्लैरिटी कि वो कहाँ है और उन्हें कहाँ जाना। तो हम सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, हमने कहा कि चलो सुमित जी की मदद करी जाए। तो भाई हमारे में से एक कैंडिडेट थे, वो बोले सुमित जी से, सुमित जी आप ना यार ज़्यादा मेहनत करो तब आएंगे नंबर। तो सुमित जी बोले कि मेरे माता जी पिताजी ना मुझसे बचपन से ही वाली बात बोलते हुए आ रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करो से ना मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो भैया इससे तो मेरा काम नहीं चल रहा। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अप्रोच टू लेते हैं। तो हम में से एक सज्जन थे, वो बोले कि यार ट्यूशन लगा लो। ये वाली अप्रोच सुमित जी को थोड़ी समझ में आई कि यार ट्यूशन लगा लेता हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये हुआ कि यार ट्यूशन जो है किस चीज़ की लगाऊँ और कैसे लगाऊँ, क्या उससे क्या फ़ायदा होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सोचने वाली। ये दो अप्रोच थी जनरली स्टूडेंट्स को, ये वाली अप्रोच ज़्यादा मेहनत करो ट्यूशन लगा लो, ये वाली अप्रोच दी जाती है। अब हम देखते हैं सुमित जी को अगर 80% से 90% पे पहुंचना है तो क्या अप्रोच लेनी चाहिए, क्या उनकी अप्रोच होनी चाहिए, और मैं स्टेप बाय स्टेप ये वाली चीज डिस्कस करूंगा। स्टेप वन, यार आज कहां हो सुमित जी, मुझे ये बताओ यार आज किस जगह पे। तो सुमित जी ने कहा कि मैं 80% पे हूं।
आपने नहीं 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 ऐसा नहीं बताओ यार मुझे किस जगह पर, ये तो मुझे बहुत ऊपर से बता रहे हो, थोड़ा डिटेल में बताओ किस जगह हो। ऐसा करो यार, सुमित जी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ पहले। तो सुमित जी अपना रिपोर्ट कार्ड ले आ। सुमित जी के 5 विषय हैं, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, सोशल साइंस और हिंदी है। सुमित जी के 80% आते हैं। तो आपने हमने मिलके ये देखा, हमने कहा यार ये इंग्लिश में तो ठीक है यार, और सोशल साइंस में भी ठीक है, हिंदी में भी ठीक है, तो इनके 80 हिस्से बन रहे हैं। अब ये कह रहे हैं मुझे 90 लेके आने, 90 लेके आने हैं, तो मुझे कहाँ पे जोर मानना पड़ेगा, ये है क्वेश्चन। सो ये पता चला भाई सुमित जी की मैथ और साइंस कमजोर है। तो हमने क्या करा, हम इंफॉर्मेशन के एक लेवल नीचे गए, हमने ऊपर से सॉल्यूशन ना लेके क्या करा, नीचे घुसे। हमने कहा भाई सुमित जी आपको मैथ और साइंस में करनी पड़ेगी मेहनत। अब हमारी ये वाली चीज पता चल गई कि सुमित जी को किस जगह मेहनत करनी पड़ेगी। ये है पहला लेवल कि भाई ट्यूशन लगा देंगे, तो इनकी मैथ और साइंस की ट्यूशन लगा दो। अब सेकेंड लेवल है कहाँ जाना है, जब ये पता लग गया तो भाई ये पूछा सुमित जी का, देखा हमने रिजल्ट, हमने देखा भाई कहाँ जाना है। तो सुमित जी कह रहे हैं भाई मुझे 90% पे जाना है। वही वाली बात, जब 90% पे जाना है तो भैया मैथ और साइंस में मेहनत करोगे, क्योंकि इंग्लिश सोशल साइंस और हिंदी तो ठीक है, तो मैथ और सोशल साइंस में मेहनत करो। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 होगा, अब सोचें, अब हमें यह पता लग गया कौन सी कमजोरियां हैं हमारी, तो अब कहाँ एफर्ट मारूं, ये है क्वेश्चन यार, कहाँ जोर लगाया जाए ताकि इनके जो नंबर है उठ के 90% पे आ जाए। अब क्वेश्चन ये आया कि यार अब कैसे इंप्रूव करें। भाई एक ऑप्शन है, ट्यूशन लगा देते हैं मैथ्स की, अगर हमारे पास स्किल नहीं, भाई ट्यूशन लगा देते हैं, ठीक है भाई ट्यूशन लगा देंगे। सो ट्यूशन लगाने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे बताइए, ट्यूशन लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अब पता चल गया कहाँ पे एरिया था, क्या दिक्कत थी मैथ्स में, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या करें, क्वेश्चन ये है कि यार इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो करें क्या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैंने कहा यार ऐसे नहीं होगा, हमें ना आपके सब्जेक्ट में डीप जाना होगा। अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कि ट्यूशन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि आपसे ट्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो उसके लिए मुझे 2 क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, कहां घुसूं और कैसे करनी है वाली प्रॉब्लम सॉल्व। ये 2 क्वेश्चन है जो हमें करना पड़ेंगे। तो भाई हमने सुमित जी से कहा, सुमित जी ऐसा यार मुझे बताओ मैथ के तुम्हारे सब्जेक्ट में जो पूरा मैथ्स का टॉपिक है उसके अंदर सब्जेक्ट क्या क्या है। तो भाई सुमित जी ने बताया, देखो भाई एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, स्टैट्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, भाई और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिए। सो मैंने पूछा कि अच्छा बताओ पूरी वेटेज कितनी है एग्जाम में इस चीज की। तो सुमित जी ने बताया कि यार ये पूरा का पूरा 20 नंबर का एलजेब्रा आता है, 20 नंबर की ज्योमेट्री, 20 की कैलकुलस, 20 की स्टैट्स और 20 की ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने कहा कि अच्छा आप मुझे बताओ कि इसमें आपके कितने नंबर आए। तो सुमित जी ने मुझे बताया कि यार मेरे एलजेब्रा में मैंने 5 स्कोर किए, ज्योमेट्री में 20 थे, कैलकुलस में 10 थे, स्टैट्स में 10 थे और ट्रिग्नोमेट्री में 20 थे। अब जरा देखिए इस स्क्रीन पे कौन सी चीजें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है। हम लोग का स्टेप क्या है, स्टेप हमारा था डीप जाना होगा, जो अब मैं जा रहा हूँ वो कहाँ जा रहा हूँ, डीप जा रहा हूँ। ऊपर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी मैथ की, तो मुझे पता चला मैथ में भी इनके 3 विषय कमजोर है। भैया एलजेब्रा में इनका हाथ बहुत ही ज्यादा टाइट है, कैलकुलस और स्टैट्स जो है वो एक चीज है जो शायद जिस पे इन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो हमने प्रॉब्लम को ऊपर के लेवल से सॉल्व नहीं किया, एक लेवल डीप घुसे। तो क्या हुआ, जब हम इसके अंदर घुसे तो हमने कहा कि चलो भाई इनके हमें अब उस मास्टर के पास जाना पड़ेगा जो मास्टर एलजेब्रा स्टैट्स, एलजेब्रा कैलकुलस और स्टैट्स बढ़िया पढ़ाता होगा। क्योंकि मास्टर के पास जब हम जाएंगे, हम कहेंगे मास्टर जी सुमित जी के नंबर सही करवाने मैथ में, मास्टर जी कहेंगे हाँ बढ़िया, मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं अभी नहीं, सुनो पहले मेरी पूरी बात, इनके एलजेब्रा कमजोर है, कैलकुलस कमजोर है, स्टैट्स कमजोर है, मुझे बताओ इसमें क्या क्या करवाओगे, क्या बात समझ में आ रही है। तो मैं इस प्रॉब्लम को डेप्थ में जाके सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर से नहीं कर रहा हूँ। जब मैं इसके अंदर गया तो मुझे क्या करना होगा, मॉनिटर करना होगा। मॉनिटर करने का क्या मतलब है, मॉनिटर करने का मतलब है कि भाई अब मैं ये देखूंगा कि जो मैंने इनकी ट्यूशन लगवाई है उससे इनकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इनके रिजल्ट्स देखूंगा। अब रिजल्ट्स भी कौन से देखूंगा, मेरी ऐसी दिलचस्पी नहीं है रिजल्ट्स में कि ऊपर से देख लिया, क्योंकि अंदर घुस के काम करते हैं हम, ऐसे काम नहीं करते हैं। तो मैं क्या देखूंगा, मुझे यह बताना सुमित जी, जब आपका एलजेब्रा का टेस्ट हो, मुझे एलजेब्रा के नंबर देखने हैं।
जब आपका कैलकुलस का टेस्ट हो मुझे तब बताना और मुझे वाले नंबर दिखाना। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे दो अप्रोचेज हो सकती थी। एक तो ये हुआ कि भाई सुमित जी ने ट्यूशन लगा ली, 3 महीने बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा। लेकिन हम उनमें से आदमी नहीं है जो 3 महीने इंतजार करेंगे। हम किस चीज पे काम करते हैं? हम लीडिंग तरीके से काम करते हैं। लीडिंग मतलब इंतजार नहीं करते चीजों के होने का। मुझे हफ्ते में बताओ प्रोग्रेस, हफ्ते भर के टेस्ट दिखाओ मुझे कि नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं टेस्ट तो देखूंगा ही, लेकिन ये भी देखूंगा कि एलजेब्रा में कितने आ रहे हैं कैलकुलस, क्योंकि मुझे पता है कि ज्योमेट्री के तो नंबर दिखा दिए बढ़िया है। मैंने कहा भाई वाह, वो तो मुझे पहले ही पता है, पहले ही अच्छे आ रहे, तो उसमें क्या कर लिया। एलजेब्रा में जब मैं ये देखूंगा कि इनके जो नंबर है 5 है, 5 के कितने हो गए, 15 हो गए, तब मुझे समझ में आएगा हाँ भाई ये प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है वाली बात? एक बार फिर से स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स में हमने क्या क्या करा? सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है आज कहाँ है, क्योंकि अगर हम ये नहीं पता लगाएंगे कि आज कहाँ है तो ट्रैक कैसे करेंगे? हमारे पास कोई मापदंड ही नहीं होगा देखने का। अंधे में तीर चल रहा होगा, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। सेकेंड चीज, कहाँ जाना है ये पता होना चाहिए, और ऐसे नहीं पता होना चाहिए वहां जाना चाहिए, पता होना चाहिए एग्जैक्टली कहाँ जाना है। भाई पता करने में तो कोई मतलब दिमाग में ये सोच लेने में कहाँ जाना, ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन इतना करने से, ये जो दो पार्ट होते हैं ये होते हैं गोल सेटिंग के पार्ट, अक्सर आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन इसकी ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सपने देखना और गोल बनाना में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि परमिंदर जी, कीरत जी, सुरेश जी, आप सब लोग जितने चाहो गोल बना लो, आपका कॉम्पिटिटर भी तो गोल बना रहा है, गोल तो सभी बना लेते हैं, तो फर्क किस जगह पे? गोल बनाने में तो कोई फर्क नहीं है, इनहेरेंट वैल्यू है। गोल का डिफरेंस तब आएगा जब आप जो एफर्ट मार रहे होगे वो डिफरेंट होगा कॉम्पिटिटर के एफर्ट से। तो इसके लिए क्या करना होता है, ये पता लगाना है किस जगह इंप्रूव करना है, पहली चीज। क्योंकि जब तक बीमारी नहीं पकड़ोगे तब तक इलाज कैसे ढूंढोगे? अभी क्या करते हैं, ऐसी उठाया चलो यार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? ऐसी थोड़ी नहीं कर लोगे। पहले देखो कि किस जगह एफर्ट मारना, उसके बाद सेकंड लेवल पे इम्प्रूव कैसे करना है। ये मुझे पता चल गया ये मेरी कमजोरी है, यहां पे इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना होगा। अब इम्प्रूवमेंट एक लेवल नीचे जाना होगा, ये जानना होगा कि इम्प्रूवमेंट जो मैं करूं वो किस लेवल पे करूं, किस लेवल पे जाके इम्प्रूवमेंट करूंगा तब रिजल्ट आएगा। सब चीजें मेरी कमजोर थोड़ी नहीं है, कुछ चीजें कमजोर है, उन पे मेहनत करूंगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, कमजोरी को पकड़ना होगा, और उसके बाद आप एक सॉल्यूशन निकालोगे। जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें आपको पता नहीं होगा कि यार ये वाली चीज सही है कि नहीं, वो तो जब आप मॉनिटर करोगे तब आपको पता चलेगा। और मॉनिटर किस चीज को करोगे, रिजल्ट्स को, राइट? रिजल्ट्स कौन से, एंड वाला रिजल्ट नहीं जो 3 महीने बाद आएगा, लीडिंग रिजल्ट जो मुझे बता देंगे इस रास्ते पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। मान लीजिए आप ए से बी जा रहे हैं और आपने गूगल मैप लगा रखा है, जैसे ही आप कोई गलत रोड लेते हैं गूगल मैप क्या करता है, वहीं से रास्ता बना देता है, चेंज कर देता है ना रास्ता, दोबारा आपको अपनी जगह पे ले जाता है। आप ये थोड़ी करते हो जब एंड में पहुंच गए अरे यार गलत आ, ये थोड़ी होता है। इसीलिए आपको क्या बनाने होते हैं, लीडिंग मॉनिटरिंग का तरीका बनाना होता है। अब सुमित जी की प्रॉब्लम हटा लेते हैं, अब अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस ग्रोथ लानी है। ये वाली प्रॉब्लम सुमित जी की प्रॉब्लम से ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है। सुमित जी को नंबरों में ग्रोथ चाहिए थी, हमें बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, सेम ही प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम सेम है तो उसके सॉल्व करने का क्या होगा, तरीका भी सेम होना चाहिए। तो बात समझ में आ रही। इसके लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा भाई आज कहाँ है। आज कहाँ है पता करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं? भाई आज कहाँ है पता करने के लिए ये देख सकते हैं, भाई आज मेरा टर्नओवर कितना, बहुत सारे तरीके, टर्नओवर कितना है, सेल्स कितनी है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। आज जाना कहाँ, जाना कहाँ है मतलब मैं भाई अपने सेल्स के टर्नओवर को कितना ले जाना चाहता हूँ, मैं क्या प्रॉफिटेबिलिटी चाहता हूँ, राइट? ये दो चीजें सबसे पहले पता लगानी होगी। अब थर्ड स्टेप आता है कि एफर्ट कहाँ मारूं। ये है फंडामेंटल क्वेश्चन, जहां पे मैं जितने इतने सारे बिजनेस ओनर्स के साथ जब मैंने काम किया है, मैंने ये वाली चीज पाई कि उनके साथ काम करने में ये वाला चैलेंज आता है कि ये नहीं पता होता कहाँ एफर्ट मारूं। जो इंफॉर्मेशन होती है ऊपर के लेवल पे होती है, ट्यूशन लगा लेते हैं, ये वो वाला जवाब होता है, ट्यूशन लगा लेते हैं या कोई बिजनेस कोर्स ले लेते हैं किसी का, ये चीज कर लेते हैं। लेकिन इससे सब चीजें काम करती हैं और सब चीजें काम नहीं करती हैं,
वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या सही है। तो सबसे पहले जो चीज है हमें यह पता करना होता है एफर्ट कहां मारूं। तो भाई जैसे सुमित जी के विषय थे सोशल साइंस, सुमित जी के विषय थे ट्रिग्नोमेट्री, मैथ, कैलकुलस, उस तरीके से हम विषय में घुसेंगे। तो भाई हमारे बिजनेस में भी क्या होते हैं, विषय होते हैं। भाई बिजनेस मास्टरी का अगर आप ऊपर ऊपर से सब्जेक्ट देखेंगे, कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है, पीपल मैनेजमेंट होता है, सिस्टम क्रिएशन होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, जो पर्सनल होता है, राइट। ये भाई हमारे बिजनेस के विषय होते हैं। कुछ विषय में अच्छे होते हैं, कुछ विषय में हम अच्छे होते हैं, कुछ विषय में अच्छे नहीं होते। तो हमें क्या करना, पहले पता लगाना है कि वो कौन सा पकड़ा जाए चीज जिसमें हम कमजोर हैं, और उसका इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कि किसमें हम कमजोर हैं, प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगी उसका एंड गोल पे कितना रिजल्ट आता है। तो सही जगह पे एफर्ट मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई ये हमारे विषय हैं। तो ये वाली चीज क्या हो गई, हमारी पहले लेवल की इंफॉर्मेशन हो, कहाँ एफर्ट मारूं, राइट। सो अब हम देख लेते हैं हर विषय के अंदर, जैसे हमारे मैथ्स में सब्जेक्ट थे, जो हमने मैथ्स के सब्जेक्ट खोले थे, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, इसी तरीके से ये देख लेते हैं भाई हमारे इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, राइट। तो इसमें मार्केटिंग हुआ, भाई मार्केटिंग में हमारे मोटे मोटे, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी चीजें होती हैं, प्रोडक्ट सर्विस मैनेजमेंट में हम कैसे भाई, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजाइज करने में हम कैसे हैं, हम मार्केटिंग चैनल्स का चुनाव करने में कैसे हैं, हम एडवर्टाइजिंग में कैसे हैं, हम प्राइसिंग को यूज करने में कैसे हैं, हम लीड को मैनेज करने में कैसे हैं, और हम मार्केटिंग का ROI लेने में कैसे हैं। तो ये हमारे मार्केटिंग के विषय के सब्जेक्ट होगा। सो इसके अंदर ये विषय होंगे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाता हूँ मैं, जब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाता हूँ तो मैं सेल्स की बात करता हूँ। तो सेल्स में क्या है भाई, सेल्स में हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो सेल्स प्रोसेस मैनेजमेंट है, सेल्स की ऑब्जेक्शंस को हम कैसे हैंडल करते हैं, सेल्स को नेगोशिएशन में हमारा कैसा है, सेल्स का क्लोजर हम लोगों का कैसा है, क्या हमारी सेल्स टीम ट्रेंड है कि नहीं, हम सेल्स टीम को ट्रेन करने के विषय में कैसे, क्योंकि हम तो जाके सेल नहीं करते, अगर आपका थोड़ा बिजनेस हो जाता है आपकी सेल्स टीम ट्रेन करती है, तो भाई हम ट्रेनिंग में कैसे हैं, उसके बाद हम सेल्स टीम के मैनेजमेंट में कैसे हैं, और रिपीट सेल्स के मैनेजमेंट में कैसे, ये हमारे सेल्स के विषय होंगे। जो हमारा थर्ड विषय है वो है हमारा पीपल मैनेजमेंट का विषय। अब पीपल मैनेजमेंट के विषय में भाई, क्या हमें कोर टीम बनानी आती है, हमें इस विषय में कैसे हैं, पीपल हायरिंग में कैसे हैं, पीपल की ट्रेनिंग में कैसे हैं, डेलीगेशन में कैसे हैं, डेलीगेशन मतलब लड़कों से काम करवाने में, अपने एम्प्लॉय से काम करना में करवाने में, स्टाफ से काम करवाने में कैसे हैं, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कैसे हैं? भाई क्या हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि ये वाली चीज करते हैं, राइट। उसके बाद हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट आता है। फाइनेंस मैनेजमेंट में भाई हम, फाइनेंस हमारे बिजनेस की ऑक्सीजन होती है, तो भाई हम कैश फ्लो में कैसे हैं, कैश फ्लो को मैनेज कैसे करते हैं, क्रेडिट मैनेज कैसे करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अनगिनत बिजनेस ओनर्स के साथ मैं काम करता हूँ जो मुझसे ये वाली बात कहते हैं कि सर मेरा पैसा कहाँ आता है और कहाँ चला जाता है, मुझे ना हवा नहीं है, बस ये पता है पैसे आते हैं, बड़ा बिजनेस है, लेकिन ये नहीं पता यार आ कहाँ रहा और जा कहाँ रहा, ये खबर नहीं है मुझे। सो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक कैसा है। उसके बाद मॉनिटरिंग मैनेजमेंट में हम कैसे हैं कि भाई हमें पता है कौन कौन सा डेटा स्टोर होना चाहिए, क्या हम डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा ले सकते हैं, जैसे कि डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा का मैंने आप लोगों को अभी अभी एग्जांपल दिखाया था पीछे, हम लोगों ने क्या किया था जब सुमित जी का रिजल्ट देखा था, तो हमने क्या किया उसमें डिसीजन डेटा के बेसिस पे लिया था, उनसे कुछ पूछा नहीं था कि सुमित जी बताओ मुझे क्या है ये है, मैंने कहा अपना डेटा ले आओ, उसे देख के हम लोग काम करते गए, क्योंकि वो वाली बात है बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता, राइट। तो डेटा के बेस पे ही काम करना। तो हमारे पास मॉनिटरिंग का मैनेजमेंट है। उसके बाद ये एक चीज है जो बिजनेस ओनर की बहुत तगड़ी चीज है, सिस्टम क्रिएशन। क्या मैं प्रॉब्लम को सिस्टम के रूप में सॉल्व कर पाता हूं, क्या मैं सिस्टम की मॉनिटरिंग कर लेता हूं और मैं क्या सिस्टम को कंट्रोल कर ले, ये क्या है, ये मेरे विषय है, किस चीज के, जिन विषय पे क्या करना है, मुझे काम करना है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक पेन पेपर अपने पास रख लीजिए। सो फॉर ऑल द टॉपिक्स लो प्लीज रेट योरसेल्फ ऑन अ स्केल ऑफ 10 ऑन 10 मींस यू आर एक्सीलेंट ऑन
मतलब उस काम में आप बहुत बढ़िया हैं, 2 on 10 मींस यू आर नॉट गुड इन दैट स्किल, राइट। तो यहाँ पे अपने आप को ऐसे लिखते जाइए, मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके नीचे लिखिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, या इसे हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट और सर्विस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, राइट। इसका मतलब यह है, मैं आपको बताता जाता हूँ आप लोगों को मार्क्स देने का क्राइटेरिया क्या है। प्रोडक्ट सर्विस मैनेजमेंट में अपने आप को ज़्यादा नंबर दीजिए, जब आपको ये वाली चीज़ पता है कि आप प्रोडक्ट एनालिसिस कर लेते हैं और आप नए नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और आपको पता होते हैं अपने प्रोडक्ट के विषय में सारी चीज़ें, तो अपने आप को आप इसमें ज़्यादा नंबर दे सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब यह है, अपने आप को इसमें आप ज़्यादा नंबर देंगे तब जब आपको पूरा पूरा पता हो कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा मार्केटिंग मैसेज है, ये मेरा कम्युनिकेशन है और ये चैनल है जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, लेके आऊँगा चीज़ें। तो आपकी सारी की सारी चीज़ें लाइन डाउन है, तो उसमें आप अपने आप को ज़्यादा नंबर दे सकते हैं। थर्ड वो आपका मार्केटिंग चैनल, इसका मतलब है कि आपको मार्केटिंग चैनल्स की पूरी पहचान है और आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स क्या हैं, किसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या घाटे हैं, आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये जो थर्ड चीज़ है इसमें अपने आप को आप क्या मार्क्स दे दीजिए, मार्केटिंग चैनल्स के मार्क्स दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग, कि आपको पता है कि जो मैसेजिंग होती है वो आप किस तरीके से करनी है, क्या क्या मैसेज का स्कोप होना चाहिए, कैसे बढ़िया मैसेज बनते हैं, ये वाली चीज़ पे। उसके बाद आप जानते हैं कि प्राइसिंग ऐसा स्ट्रेटेजी आप कैसे टूल यूज कर सकते हैं, राइट। कैसे आप प्राइस के बिना कंपीट किए अच्छे मार्जिन पे चीज़ों को बेच सकते हैं। और लीड मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट का अपने आप को ज़्यादा नंबर दीजिए, जब आप अपनी लीड्स को स्टोर करते हो आप ये इंश्योर करते हो कि आपकी लीड्स में कोई भी वेस्टेज नहीं होती है, जितनी लीड्स आती हैं सब के साथ कायदे से काम होता है, कुछ भी वेस्टेज नहीं होती, तब अपने आप को आप क्या कर सकते हैं, लीड मैनेजमेंट में अच्छे नंबर दे सकते हैं। जब मार्केटिंग में आपने कर लिया तो उसके बाद सेकेंड लेवल पे आइए, हम सेल्स के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सेल्स के सब्जेक्ट की बात का मतलब सेल्स का प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि आपके यहाँ जो सेल्स की प्रोसेस है पूरी तरीके से डिफाइंड है, राइट। सारे स्टेप्स कायदे से डिफाइंड है, राइट। उसके बाद आप लोग सेल्स ऑब्जेक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, तो अपने आप को अच्छे नंबर दीजिए। अगर आप सेल्स को नेगोशिएट करने में अच्छे हैं तो अपने आप को नंबर दे दीजिए। सेल्स क्लोजर का मतलब कि जब आपके पास आ जाता है कोई आदमी तो आप क्लोजिंग में कैसे हैं। अब इस वाली चीज़ को सिर्फ अपने उसमें मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप अच्छे हो लेकिन आप तो काम नहीं कर रहे हैं ना, राइट। सो अपनी टीम के हिसाब से इस वाली चीज़ में आंसर दीजिएगा, एज अ यूनिट, एज अ कंपनी आप कैसे हैं इस वाली चीज़ में, राइट। और उसके बाद सेल्स ट्रेनिंग, ये जो चीज़ है ये आपका डिफ्रेंसिएशन होता है, क्योंकि भैया देखिए ईमानदारी से अगर आप देखोगे तो हम आप सबके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट तो है नहीं जो हमने व्हाट्सएप की खोज कर रखी या फेसबुक की खोज कर रखी। खूब कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो सेल्स ट्रेनिंग का होता है। अगर आप अपनी सेल्स की टीम को ट्रेन करने में अच्छे हैं तो अपने आप को अच्छे नंबर दीजिए यहाँ पे, राइट। और सेल्स टीम मैनेजमेंट मतलब आप अपनी सेल्स की टीम से कायदे से रिजल्ट निकाल लेते हैं, उनके मॉनिटर कर लेते हैं और आप अपनी सेल्स टीम से मैनेजमेंट से खुश हैं, तो अपने आप को इसमें नंबर दे दीजिए 10 में से। सब जगह आपको, जैसे अगर आप बहुत अच्छे हैं सेल्स टीम मैनेजमेंट में तो खुद को 8 या 9 दे दीजिए, अगर आप सेल्स टीम सही से मैनेज नहीं कर पाते तो अपने आप को 2 या 3 दे दीजिए, या आपका अपना क्राइटेरिया इस वाली चीज़ का आप कैसे करना चाहते हैं। इसके बाद जब आपने ये वाली चीज़ लिख ली तो नेक्स्ट आती है पीपल मैनेजमेंट की चीज़। पीपल मैनेजमेंट मतलब आपको कोर टीम बनाना आती है। कोर टीम इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आप अपने आप को स्केल नहीं कर पाएंगे, आप अपने जैसे और लोग खड़े नहीं कर पाएंगे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपकी अपनी एक ताकत होती है, उस ताकत के विषय में, राइट। उससे आप एक ही लेवल तक का वेट उठा सकते हैं, जैसे 100 किलो, 500 किलो उठाना है तो 5 लोग चाहिए होंगे, सो उसके लिए कोर टीम की ज़रूरत पड़ती है। आप पीपल हायरिंग में बहुत अच्छे हैं, मतलब कि आप जब किसी आदमी को हायर करते हैं तो बिल्कुल प्रोसेस से करते हैं, कुछ भी उसमें लैकुना नहीं होता और आपके पास जनरली सही आदमी हायर होके आते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी ने कहा भाई साहब इसे रख लो तो आपने रख लिया। सो आपको पीपल हायरिंग का जो आपका सिस्टम है उसमें अपने आप को मार्क्स दीजिए। उसके बाद जब आप लोगों को ट्रेन करते हैं,
जब आप लोगों को ट्रेन करने में आप बहुत अच्छे हैं, आपके यहाँ पूरा ट्रेनिंग का सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि अगर आप लोगों को ट्रेन करना नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा, शायद आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। तो इसमें अपने आप को 10 में से रेट कर लीजिए। उसके बाद अब हम आते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट में खुद को अच्छे नंबर दीजिए अगर आप अपने कैश फ्लो को सही से मैनेज करते हैं। सेकंड, आप क्रेडिट को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं तो अपने आप को 10 में से नंबर दे दीजिए। और थर्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब आपको पता होता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना चाहिए, पैसों से लेके आपका पैसों में जो हाथ है वो तगड़ा है, आपकी फाइनेंशियल स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप ये वाला काम बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। मॉनिटरिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि आप जितने भी आपके फंक्शन है, मार्केटिंग का फंक्शन हो गया, सेल्स का फंक्शन हो गया, पीपल का फंक्शन हो गया, फाइनेंस का फंक्शन हो गया, इनकी सारा का सारा जो आपके पास रिपोर्ट होती है और डेटा होता है जिसे आप देख सकते हैं, तो इसमें अपने आप को नंबर दे दीजिए। और उसके बाद अपने आप को नंबर दे दीजिए डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग, राइट, क्योंकि यही जो डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है यही आपके पास पूरे कंपनी में एक इकलौता सबूत होता है जो क्या करता है, इस वाली चीज में आपकी मदद करता है। तो इस वाली चीज में अपने आपको मार्क्स दे दीजिए। उसके बाद सिस्टम क्रिएशन, आपको यह आता है कि सिस्टम्स कैसे क्रिएट करे जाएं, आप एंड टू एंड सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम मॉनिटरिंग कैसे करी जाए, और जब आप उसे मॉनिटर कर लेते हो तो उसे कंट्रोल कैसे करते। तो जैसे हम लोगों ने अपने एग्जांपल में बात करी थी वीडियो में कि सुमित जी का वो जो था उसमें जब उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली मैथ के लिए, तो हमें ये देखना था उनके नंबर कैसे आ रहे, अगर उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे तो वहाँ पे क्या हो, तो वो मॉनिटरिंग थी, उनके नंबर अच्छे नहीं आते तो हम इंटरवेंशन करते, उसमें घुसते पूछते, हाँ भाई आप क्या दिक्कत है, क्या आपका मास्टर बढ़िया नहीं है, क्या दिक्कत है, आप पढ़ नहीं रहे, तो क्या हो रहा था, सिस्टम कंट्रोल हो जाता, मतलब नंबर को देख के हम उस चीज़ को तो हमारे बिजनेस में हम सिस्टम बनाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और उसके कंट्रोल करते हैं, तो हम ये वाला काम कर लेते हैं। इसमें आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, ये वाली चीज़ कर लीजिए। आप लोगों ने ये वाली चीज़ कर ली है तो अब अपनी कैलकुलेशन करिए, ये वाली ग्रिड बनाइए जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही है, राइट। सो सब्जेक्ट लिखिए, एक तरफ टोटल मार्क्स लिखिए और यहाँ पे अचीव्ड लिख दीजिए, ऐसे करके ग्रिड बना लीजिए। मार्केटिंग, मार्केटिंग के टोटल मार्क्स 60 थे, उसमें से आपको कितने मिले, सेल्स में 60 थे आपके कितने हैं, पीपल में 40 थे आपके कितने आए, फाइनेंस में 30 थे आपके कितने आए, मॉनिटरिंग में 20 हैं आपके कितने आए, और सिस्टम में कितने आए। पहले ये वाली चीज़ कर दीजिए, सब लोगों ने अपने मार्क्स लिख लिए, तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, राइट। यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ आप आंसर करें, व्हाट आर योर टोटल मार्क्स, यहाँ पे लिख दीजिए परसेंट, आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको काम करना है अपने, राइट, उसे इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिख दीजिए, क्या कदम लेंगे, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू इम्प्रूव द सब्जेक्ट विच इज वीक, जो कमजोर सब्जेक्ट है उसे करने के लिए आप क्या स्टेप लेंगे, 5-2 मिनट लीजिए और लिखिए ये वाली चीज, क्या होंगे वो आपके स्टेप्स जिसके लिए, जो आपके कमजोर वाली चीज है, भाई किताब पढ़ूंगा, ये करूंगा, क्या करेंगे उस वाली चीज को बेटर करने के लिए। और उसमें भी खासकर ये एक लेवल की इंफॉर्मेशन, जैसे हमने सब्जेक्ट में करा था वो वाली चीज करनी है, मतलब यहाँ पे जाना है, अपने इस टेबल पे वापस जाना है और उस टेबल के हिसाब से लिखना, भाई इसमें इस पे ये इस पे काम करना है, इस पे इस चीज पे काम करना है, उस हिसाब से, ऊपर से नहीं लिखना है कि मार्केटिंग में काम करूं, मार्केटिंग में नहीं, मार्केटिंग में किस चीज पे पहले काम करेंगे, जैसे हमने सुमित जी के केस में किया था वहां पे, जो सुमित थे, कि भाई कौन सा विषय कमजोर है मार्केटिंग के अंदर भी, उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से लिखिए। अब आपको यहाँ पे एक ये लिखना है कि आज वो कौन, इस पर काम करने के लिए आज कौन सा एक स्टेप है जो आप ले सकते हैं, आपका इसकी बुक हो, किताब हो, जो भी चीज हो, भाई उसको सही करने के लिए आपको क्या करना है। अगर आप लोगों ने ये वाली एक्सरसाइज सही से करी है तो आपके पास एक प्लान आ गया, वो प्लान क्या कर रहा होगा, आपको बता रहा होगा यार ये चीजें मेरी कमजोर है, मुझे इस बिजनेस ग्रोथ करने के लिए यार ये चीजें जिसपे काम करना पड़ेगा, राइट। ये आपका फर्स्ट स्टेप है ग्रोथ का जो मैंने आप लोगों के साथ करवाया, क्योंकि अब आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब कहाँ काम करना, अब आप लोगों को सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं है। सो इस चीज का, इस पूरी
एक्सरसाइज को जो आउटपुट है वो ये है कि आप लोग पास अब एक प्लान है और ये चीजें जिस पर काम करना है, अब आप लोग जो चाहो वो सॉल्यूशन ले सकते हैं, राइट। अब आपके ऊपर, यहां से जब आप काम करोगे तो भाई आप किताब पढ़ना चाहो, जो भी चीज करना चाहो, यहां से शुरुआत होती है पहले स्टेप की किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज, मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाए, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है, जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है, जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे CA, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। So, इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रेटजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ
खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।